जी हमारे पाए हो गए रेडी बहुत ही लजीज से। ठीक हो गया जी, नेक्स्ट फिर आएंगे इंशाल्लाह किसी न्यू रेसिपी के साथ। आपको पसंद आई हो तो शेयर सब्सक्राइब कर। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत से हूँ। आप देख रहे हैं बबल्स किचन और मैं हूँ लाइबा हनीफ। आज हम बनाएंगे पाए सुबह के नाश्ते के लिए। ठीक हो गया जी, पाकिस्तान में जिस तरह से शौक से खाए जाते हैं आप लोग जानते होंगे। ठीक है, ये 10 पाए हैं और ये 15 से 16 उंगलियाँ लहसुन की हैं और ये हसबे जायका नमक है। अभी तो ये 2 टेबल स्पून है। ठीक है, आपने हसबे जायका ही डालना है अपने टेस्ट के मुताबिक। ठीक हो गया जी, ये हमने नीचे चूल्हा ऑन कर लिया है, हम इसमें पानी डालेंगे। ठीक हो गया जी, पानी डाल के हम इसमें थोड़ा सा पानी में और डाल लेती हूँ। ये इसमें हम लहसुन की गुलियाँ और नमक डाल देंगे, इसको अच्छे से हिला देंगे और थोड़ा सा पानी और डाल देंगे। ठीक है, सारा कुछ डाल दिया। अब होगा ये कि पहले इसको एक उबाला आ जाए, देन हम अपनी जो आंच मैंने फुल रखी हुई है इस वक्त वो मैं लो फ्लेम पे कर दूंगी। ठीक हो गया जी, और ये ढक्कन ऊपर दे दूंगी, लेकिन उसके पहले एक उबाला आ जाए। पानी गर्म हो गया है। ठीक है, अब हम इसको कवर कर देंगे और इसको लो फ्लेम पे कर देंगे। ठीक हो गया जी, इसको हम लो फ्लेम पे करते हैं और आपने इसको 4 से 5 घंटे पकाना है। लेकिन फिर भी आपने क्या, मैं आपको नोट करके बता दूंगी कि मैंने इसको कितने घंटे पकाया। ठीक है, वापस आते हैं तो मैं आपको बताते चलूँ। मैंने आपको कहा था कि मैं टाइम नोट करके बताऊंगी, तो मैंने इसको मुकम्मल 7 घंटे रखे। ठीक है, 7 घंटे के बाद अल्हम्दुलिल्लाह ये पक गया है और अब हम इसका बाकी मसाला तैयार करेंगे। ठीक है जी, तो ये हम रेडी करेंगे मसाला। ये हमारा ऑयल है। ठीक है, हम 1 कप ऑयल लेंगे और ये 3 हम टमाटर लेंगे मीडियम साइज़ के। ठीक हो गया जी, ये हमने इस तरह से अदरक काट के रखा हुआ फ्रीज़र में। ठीक है, ये 10 अदद हैं। ठीक है, 9-10 हैं ये टुकड़ियाँ इसकी अदरक की। ठीक है, और ये 9-10 ही सब्ज़ मिर्चें हैं। ठीक हो गया जी, और ये आते हैं मसालों की तरफ। तो 1 टेबल स्पून लाल मिर्च है, 1/2 टी स्पून ये हल्दी है, ये 1 टेबल स्पून सूखा धनिया है और ये 1 टेबल स्पून ही गरम मसाला है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको जल्दी से थोड़ा सा पानी डाल के ग्राइंड कर लेंगे अच्छे से। ठीक है, और फिर बाद में हम अपना मसाला भूनना स्टार्ट करते हैं। ये हमने सॉस पैन रख लिया और ये हमने ग्राइंड कर लिया। ठीक हो गया जी, ये हम अपना ऑयल डालेंगे, इसमें 1 कप ऑयल डालेंगे हम। ठीक है, और इसमें अपना ये सारा मिक्सचर डाल लेंगे हम। ठीक हो गया, अब हम इसमें ये मसाले डाल देंगे और इसको अच्छे से हिला देंगे और यहाँ जो चूल्हा गंदा हुआ है इसको साफ कर लेंगे। ठीक है, हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको भून लेंगे। ठीक है, ये देखें जी, ये मसाला भुना जा रहा है। ठीक है, अभी ये बहुत पतला है, अभी ये अच्छे से भुनेगा फिर ये थिक हो जाएगा। ठीक है, मैं इसकी फाइनल लुक भी आपको दिखा दूंगी। अभी आपने इसको मज़ीद भूनना है और फिर ये रेडी हो जाएगा। ये देखिए, ये भुनाई हो गई है, आप देख सकते हैं ऑयल ऊपर आ गया और ये सारा मसाला नीचे चलेगा। कुछ इस तरह से भुनाई होती है। ठीक है, ये देखें जी, ये टोटल भुनाई होगी, ये ठीक हो गया सारा। अब हम चूल्हा बंद कर देंगे। लुक आप देख सकते हैं, ये इस तरह का है। ठीक है, हमारा मसाला रेडी हो गया पायों का जी। ये जो हमारा मसाला रेडी हो गया था, अब हम ये इसमें डालेंगे। ठीक हो गया जी, इसमें हम उल्टा देंगे और इसको हिला देंगे। ठीक है, इसको मैं स्पैचुला से अच्छे से साफ़ करती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। ये हमने मसाला डाल दिया और इसको हिला लिया, आ रही है ना पायों वाली दुख। ठीक हो गया, इसको 2-3 उबाले आ जाएँ फिर मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये हमारे पाए रेडी हो गए हैं, इसको 2-3 उबाले आ गए, ये टोटली रेडी है अल्हम्दुलिल्लाह। हम चूल्हा बंद कर देंगे और फिर इसको प्लेट आउट करके दिखाएंगे। ठीक है, ये हमारे पाए हो गए रेडी बहुत ही लजीज से। ठीक हो गया जी, नेक्स्ट फिर आएंगे इंशाल्लाह किसी न्यू रेसिपी के साथ। आपको पसंद आई हो तो शेयर सब्सक्राइब कर लें, वाला भी लगा देते हैं, बिल्कुल लगा लेते हैं। ठीक हो गया जी, ठीक है, अल्लाह हाफिज़ पाकिस्तान।